नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। पाकिस्तान में इन दिनों भूचाल की स्थिति बरकरार है। राजनीतिक, सामाजिक और त्रासदी, इन तीनों की मार पाकिस्तान एक साथ झेल रहा है। कई देशों में इस भारी बारिश की वजह से बाढ़ ग्रस्त हो रहे हैं। वहीं पाकिस्तान इस सप्ताह भारी बारिश होने के बावजूद भी सूखे की मार झेल रहा है और ये स्थिति और बढ़ सकती है। आपको बता दें कि सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण ने अगले सीजन में अधिक खाद्य सुरक्षा परिणामों के साथ जल संकट फैलने की आशंका जताई है। मंगलवार को संघीय और प्रांतीय मंत्रियों की एक बैठक ने बलूचिस्तान को सिंध से 4 से अधिक जल प्रवाह का आश्वासन दिया है। सूत्रों के मुताबिक तरबेला में सिंधु के नदी का प्रवाह 1 जून से 20 जून के बीच की तुलना में बेहतर था और पिछले वर्षों की तुलना में, लेकिन झेलम, चिनाब और काबुल में प्रवाह अभी भी ऐतिहासिक रूप से कम था, जैसा कि इरसा के पास 100 से अधिक वर्षों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार है। इसी तरह 21 जून को तारबेला और मंगला में मनब्रान भी अब तक का सबसे कम था। कुल मिलाकर इस सीजन में सिंचाई की कमी 58% पर चल रही है। हाल के कुछ दिनों में ये घटकर लगभग 28% रह गया है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जो इरसा को बिना किसी कमी के प्रांतों को सामान्य सिंचाई आवंटन पर लौटने की अनुमति देता है। बारिश ने खेतों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, लेकिन नदी के प्रवाह या बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों पर नहीं। अधिकारियों ने कहा है कि देश के मैदानी इलाकों और बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान सहित कराची और लाहौर में कोहे सुलेमान जैसे इलाकों में भी हुए भारी बारिश नहर कमांड क्षेत्रों में सिंचाई के लिए सहायक नहीं थी। बताया जा रहा है कि मंगला और तारबेला दोनों बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में अचानक हुई बर्फबारी के साथ ही बारिश हुई और तापमान में गिरावट ने बर्फ के पिघलने पर नकारात्मक प्रभाव डाला। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्कार्दो में तापमान 12 से 17 डिग्री सेल्सियस पर मंडरा रहा है, जो बर्फ पिघलने में मदद करने के लिए आवश्यक 26 डिग्री से अधिक है। ये देश को रबी में सूखे जैसी स्थिति के ओर ले जा रहा है और जब तक स्कार्दो जैसे ऊंचाई पर तापमान में 48 से 72 घंटों के भीतर वृद्धि नहीं होती है, वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान भी कुल पानी की कमी लगभग 50% हो सकती है। अधिकारी ने कहा कि मॉनसून के दौरान खरीफ में बांध नहीं भरे जाते हैं, तो अधिक कमी के कारण रबी में एक अनिश्चित स्थिति होगी। अधिकारी ने कहा कि इरसा का विश्लेषण रबी में सूखे की स्थिति की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। इस बीच जल संसाधन मंत्री सैयद खुर्शीद अहमद शाह और आर्थिक मामलों के मंत्री अयाज सादिक ने सिंध और बलूचिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की, जिसमें पूर्व के खिलाफ आवंटित पानी के हिस्से से कम जारी करने के लिए बांध की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। फिलहाल अब इस सूखे से पाकिस्तान कैसे निपटेगा, ये तो आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन।